हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं आपको इन बेस्ट वोकेबलरी के बारे में बताऊंगा, इन ई बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा। और इन ई बुक्स को हमारी इंग्लिश रोबोटिक्स टीम ने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। इसमें 2500 वर्ड्स की जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, जो कोर वर्ड्स हैं, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और 500 बार रिपीट हुए हैं, वो सारे वर्ड्स इसमें कंपाइल किए गए हैं। लेकिन 2500 वर्ड्स की जो वोकेबलरी है, ये आपको 5 ई बुक्स में मिलेगी। ठीक है, एक ई बुक में करीब आपको 750 से 750 वर्ड्स मिलेंगे। और यदि आप पूरा कवरेज इसका लेना चाहते हैं, पूरा एक्सपोजर इसका लेना चाहते हैं, तो ये पांचों ई बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी। और ये इनको आप कैसे ले सकते हैं, ये भी अभी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन पहले मैं इसका पूरा डिटेल बता देता हूँ। देखिए, बैंक पीओ के लिए, क्लर्क के लिए, एसएससी के लिए, एनडीए, सीडीएस, मैट और कैट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब इसके थ्रू आप स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी सारे दूसरे वर्ड भी सीखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एक वर्ड दिया है एबिरेशन, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है सीजीएल में, बैंकिंग में भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डिविएशन, मतलब अपने पथ से भटक जाना। ठीक है, ये इसका सिनोनिम होगा। और बाकी जो वर्ड हैं, इनको आपको थोड़ा सा डिक्शनरी में देखना पड़ेगा या ऑनलाइन डिक्शनरी में देखना पड़ेगा कि इनका मीनिंग क्या है। तो जब इनका मीनिंग आप देखेंगे तो उसकी मदद से आपको इनके एग्जांपल सेंटेंसेस और दूसरे वर्ड्स, इडियम्स, ये भी सब सीखने को आपको मिलेंगे। और यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू इस वर्ड का मीनिंग आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से दिया है, देखिए ये एबियंस, ये वर्ड है, ये बहुत बार आया है एसएससी एग्ज़ाम में। सस्पेंशन इसका सिनोनिम होगा, ये अंडरलाइन किया हुआ है इसका, और ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। तो सारे जो वर्ड हैं ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, ये कोर वर्ड्स हैं। तो इन वोकेबलरी ई बुक्स को लेने के लिए इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके इनको ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल एक ही ई बुक ले लेते हैं जिसमें से उनको पूरा एक्सपोजर नहीं मिल पाता। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप 3 ई बुक लीजिए, Part 1, Part 2 और Part 3, उसी लिंक से आपको मिल जाएंगी तीनों ई बुक्स। वहाँ पर राइट हैंड साइड में एक स्लाइडर का बटन होता है, जैसे राइट हैंड साइड में यहाँ पर जब ई बुक होगी तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो एक स्लाइडर का बटन होता है, उससे आप उसको सरका सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर आ जाएंगे। तो वहाँ से आप Part 1, Part 2, Part 3 लीजिए तो अच्छा रहेगा। और यदि आप पेटीएम से 120 रुपीज़ मुझे भेजते हैं तो उसमें मैं आपको 2 ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भेजूंगा, मतलब 5 ई बुक मैं आपको भेजूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर या आपके मेल आईडी पर। ये देखिए, ये एडमोनिटरी, इसका मतलब होता है कॉशनरी, मतलब सावधानी बताने वाला। और ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, इफ़ यू आर कॉट थ्रोइंग पेपर एयरप्लेन्स इन क्लास योर टीचर विल प्रोबेबली गिव यू एन एडमोनिटरी लेक्चर। एडमोनिटरी लेक्चर मतलब वार्निंग देने वाला लेक्चर। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें मैंने जो वर्ड लिए हैं सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं, और इसकी मदद से आपको सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, चाहे बैंकिंग के हों, SBI PO हो, SSC हो। और इसमें देखिए, रिवीजन के लिए मैंने व्यवस्था की है, यहाँ पर इन सारे वर्ड्स को पहले पढ़ना है आपको, ठीक है, उसके बाद आपको रिवाइज़ करना है। ये देखिए, यहाँ पर आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको मीनिंग नहीं लिखे हुए, आपको मनी मन में रिवाइज़ करना है कि इस वर्ड का मीनिंग मैंने क्या याद किया था, इस वर्ड का मीनिंग मैंने क्या याद किया था। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है वर्ड्स को याद करने का। जब आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। और अलग अलग तरीके से मैंने वोकैबुलरी को यहाँ पर दिया है, हिंदी में भी है, इसमें मीनिंग हिंदी में भी दी है, अभी भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ओब्लिवियस, कितने सारे इसके सिनोनिम्स यहाँ पर दिए हैं, इनकॉग्निजेंट, इग्नोरेंट, हीडलेस, अनअवेयर, अनकॉन्शियस और अनमाइंडफुल। ठीक है, ये है ओब्लिवियस के सारे सिनोनिम्स, और ये हैं ओब्लिवियस के एंटोनिम्स। ओब्लिवियस मतलब भुलक्कड़, जो भूल जाता है चीज़ों को, उसको हम बोलते हैं ओब्लिवियस। और ये है इसके एंटोनिम, और ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, आई एम ऑलवेज अमेज्ड एट द वे डॉग्स आर ओब्लिवियस टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर ह्यूमन मास्टर्स। ठीक है, ये देखिए, रिकैपिचुलेट का क्या अर्थ है, समराइज, लेकिन कैपिचुलेट का क्या अर्थ है, सरेंडर होता है कैपिचुलेट का अर्थ। ये देखिए, कंसीलिएट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये देखिए, प्लैकेट, मॉलीफाई, रिकनसाइल, सूथ, अपीस, ये ऐसे वर्ड है जो एग्जाम में आने ही आने हैं, रिपीट होते ही होते हैं। ये देखिए, कॉनंड्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, ब्यूकॉलिक। तो एक ई बुक में आपको 750 वर्ड मिलेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये यदि डायरेक्ट लिंक से लेते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं आप 3 या 4 या 5। लेकिन पेटीएम से यदि 120 रुपीज़ मुझे आप भेजते हैं तो 2 ई बुक मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट भेजूंगा, यानी 120 रुपीज़ में आपको 5 ई बुक ये मिल जाएंगी।
और मेरा पेटीएम जो नंबर है वो है 9893711933, इस पेटीएम नंबर पर आप भेज सकते हैं। ये देखिए कैपिचुलेट, इसका सरेंडर है, और सरेंडर आप नहीं करते हैं तो रजिस्ट करते हैं, ये इसके सारे वर्ड्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं सारे। ये देखिए तो एक ई बुक में इसमें करीब 750 वर्ड्स हैं, और ये वर्ड भी आया था सीजीएल में, ये वर्ड आया था चिकेनरी, इसका मतलब होता है फूल। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स हैं, और ई बुक्स को पढ़ना बहुत आसान होता है किताब की अपेक्षा। किताब में छोटे छोटे फॉन्ट रहते हैं, इसमें कलरफुल और बड़े बड़े फॉन्ट रहते हैं। इसको लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पर आप आराम से इसको आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ये देखिए तो ये बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं, इसमें 750 वर्ड हैं एक में। ये देखिए यहाँ पर हमने रिवीजन के लिए दिया हुआ है लुगुब्रियस का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपको रिवाइज, यहाँ पर आपको इनको मैच द फॉलोइंग है, ये इनको इन वर्ड्स को इन वर्ड्स से मैच करना है आपको। तो इस तरीके से ये वर्ड्स आपके, ये देखिए फिर से दिया है, ये लेट अस डू द रिवीजन, बहुत ही बेहतरीन रहेगा ये आपके लिए और सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं। देखिए ये मैंने हिंदी में भी यहाँ पर इसका कंटेंट दिया है, बंगल क्या मतलब है इसका, ये वर्ब है और इसका अर्थ है घपला, ठीक है, घपला करना, बंगलिंग करना। और ये है इसका मीनिंग, ये है इसके सिनोनिम्स, ये है इसके एंटोनिम्स, ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस, दो दो एग्जाम्पल सेंटेंस दिए हैं मैंने यहाँ पर। ये देखिए डॉगमेटिक, ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ है कट्टर, ठीक है। ये काफ़ी सारा कंटेंट इसमें हिंदी में भी मिलेगा। एवर्जन का अर्थ है डिसलाइक, ये एक नाउन है, घृणा या डिसलाइक। और ये है मीनिंग, ये है सिनोनिम्स, ये है एंटोनिम्स, ये है एग्जाम्पल सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें, और बहुत इंप्रूव हो जाएगी आपकी वोकेबलरी यदि इनके थ्रू आप स्टडी करते हैं। और इनको आपको, ये मस्ट बाय ई बुक है, इनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है मार्केट में, इस तरह की ई बुक्स आपको कहीं भी नेट पर भी कहीं पर नहीं मिलेंगी। ये देखिए ठीक है, तो फ्री कंटेंट अवेलेबल रहता है नेट पर, लेकिन फ्री कंटेंट की जो क्वालिटी रहती है वो ऐसी नहीं रहती, ये बहुत अच्छा कंटेंट है। और ये देखिए नेटलसम, इसका मतलब है चिड़चिड़ा। ट्रेजेक्टरी, इसका मतलब है मार्ग या पाथ। हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। स्पाउजल, इसका मतलब है सहारा देना। और कॉन्स्टिलेशन, इसका मतलब है समूह। तो इस तरीके से ये मैं आपको एक पार्ट वन वाली जो वोकेबलरी है, जो ई बुक है, वो बता रहा हूँ आपको। और इसको आप लें, आप चाहें तो एक ले लें या दो ले लें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चारों पाँचों आप ये ई बुक्स लें आप, और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। और यदि पेटीएम से मुझे 120 रुपीज़ आप भेजना चाहते हैं तो 9893711933 इस नंबर पर आप मुझे भेज दीजिए, और मैं आपके व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आपको ये तुरंत भेज दूंगा। और जैसे ही मुझे आपका पेमेंट मिलता है, मैं तुरंत आपको 5 मिनट के अंदर ये सारी पाँचों ई बुक आपको भेज दूंगा। ये देखिए यहाँ पर ये रिवीजन दिया है, ये देखिए यहाँ पर ये रिवीजन दिया है, तो बहुत ही शानदार ये ई बुक्स हैं, और इनका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, इनको आपको लेना चाहिए ज़रूर ज़रूर। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप 9893711933 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और इसी नंबर पर मुझे पेटीएम करके इन पांचों ई बुक को आप घर बैठे बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।